If you like my video, give like and subscribe my channel and don't forget to touch notification bell too. Thank you very much. My name is Piyush Dave. Welcome to Piyush Dave channel. आपको Piyush One Plus channel में स्वागत है. आज हम अपने देश की बात करेंगे. भारत country, India is our country. आपको पता तो होगा कि हर दिन प्रतिदिन रुपया छोटा होता जा रहा है. In comparison to foreign currency, US dollar, UK dollar, pound, इसके सामने रुपया बहुत छोटा है. डॉलर के सामने more than 60 rupees cost हो गई है. क्यों? भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने से काम होगा? उसका आंसर है नो. रिप्लाई इज नो. ठीक है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए. भारत हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, हमने यहाँ भारत में जन्म लिया है. लेकिन जहाँ तक तरक्की की बात है, विकास की बात है, समृद्धि की बात है, तो ये स्लोगन से काम नहीं होगा. उसके लिए क्या करना चाहिए? इकोनॉमिक्स ये कहता है कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट कम करो. हम ज़्यादातर विदेशी चीज बहुत खरीदते हैं और हमारा एक्सपोर्ट उसके सामने कम है. दिस इज द ओनली रीज़न. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री. बहुत पॉपुलेशन है इंडिया का, बहुत बड़ा, रुपये की वैल्यू बहुत छोटी है. तो हम इतना लार्ज पॉपुलेशन है तो मैन पावर डिसीजन हमारा खुद का, सब लोगों का डिसीजन अगर एक है तो हम रुपया बड़ा कर सकते हैं. देखिए, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड ये विदेशी कंपनियां हैं. हम बैंक से पैसा निकालते हैं, पेमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं. जो मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड ये तो विदेशी कार्ड है. हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है उनमें से सम चार्जेस पेमेंट विदेशी कंपनी में जमा होती है, सीधा चला जाता है पैसा. और पेटीएम हम यूज़ करते हैं, वो भी विदेशी कंपनी है. अब कैब बुलाते हैं, टैक्सी बुलाते हैं बाहर जर्नी करने के लिए, तो दो तीन ऐप्स है कैब बुलाने के लिए, वो भी विदेशी है. फास्ट फूड खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए हम ऑर्डर देते हैं, कुरियर पार्सल घर पर आ जाती है. गुड सर्विस, नो डाउट. लेकिन ये सब विदेशी कंपनी है. फूड सप्लाई कंपनी, कैब बुलाने के लिए जो टैक्सी की कंपनी है वो, ट्रांजैक्शन मनी ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड्स है, ये सब विदेशी कंपनियां है. तो उसके सामने इंडिया ने रुपए कार्ड निकाला है इन कंपैरिजन विद मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड. ये रुपए कार्ड यूज़ करने से हमारा देश का पैसा देश में ही रहता है. ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि मेड इन इंडिया का कार्ड है, वो कंपनी इंडिया की है. और कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से ट्रांजैक्शन होता है. करना कुछ नहीं है, यू हैव टू गो टू योर बैंक, जहां आप कोई भी ब्रांच में आपका खाता है वहां जाके अफसर को मिलिए, बोलिए कि मुझे रुपये कार्ड नया लेना है, मुझे इश्यू करो और ये जमा करवा दो.
डिस्ट्रॉय कर दो आ जाने के बाद। मास्टर कार्ड वीजा कार्ड हमें नहीं रखना है, मुझे रुपए कार्ड चाहिए, तो बैंक अफसर आपको एप्लीकेशन में साइन करवा के ले लेंगे और आपके घर पे आ जाएगा। बस वेरी सिंपल, कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और पे फोन एप्लीकेशन जो है वो भी इंडिया की है, तो पे फोन एप्लीकेशन भी हमने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया। जैसे ये रुपए कार्ड जो हमने ले लिया, मैंने ले लिया, मेरा रुपए कार्ड है, मैंने मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड नहीं है मेरे पास, वापस दे दिया, कैंसिल कर दिया। और पे फोन सर्विस भी इंडिया की है मोबाइल में पेमेंट के लिए, वो भी आप इंस्टॉल कीजिए, पेटीएम को बंद कर दो। ये तरीका है भाई, इससे ये फायदा ये होता है कि हमारा रोज का करोड़ों रुपया, लाखों नहीं करोड़ों रुपया विदेश चला जाता है, कोई हमारे इंडिया की चीज़ खरीदने से भी। हम ऑनलाइन से मार्केटिंग में से इंडिया की मार्केट से माल मंगवाते हैं तो भी ऑनलाइन सिस्टम की वजह से और ये सब मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड एप्लीकेशन की वजह से हर रोज का करोड़ों रुपया विदेश चला जाता है। सोचिए, ये गलत है। यू ऑल आर एजुकेटेड, वी ऑल आर एजुकेटेड बिकॉज वी आर यूजिंग कार्ड्स, तो ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते रहते हैं, राष्ट्रगीत आने से हम खड़े हो जाते हैं, मान देते हैं। तो ये भी करना चाहिए भाई, देश को आगे बढ़ाना है, तरक्की लाना है, तो रुपये की वैल्यू बढ़ाओ। ये कोई सरकार की ताकत नहीं है, गवर्नमेंट के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक को करना है, ये हमें करना है, मुझे और आपको करना है। आपको कोई नहीं रोकेगा इंडियन करेंसी लेने के देने के लेन देन के लिए। अगर आप रुपे कार्ड यूज़ करोगे या पे फोन यूज़ करोगे तो इससे फ़ायदा है, हमारा देश का पैसा देश में ही रहेगा, है ना? ये 100% मेरा वादा है। अगर हम संकल्प करें आज से कि फ्रॉम टुमोरो आई विल नॉट यूज़ एनी फॉरेन क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ऑल्सो आई विल यूज़ पे फोन एप्लीकेशन एज वेल एज रुपे कार्ड, एंड वी विल नॉट गोइंग टू परचेज एनी इम्पोर्टेड आइटम्स, जहाँ तक हो सके वहाँ तक। 100% नॉट पॉसिबल, कोई अच्छी चीज़ है तो ज़रूर लीजिए, लेकिन उसके में कंट्रोल कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हम देश की चीज़ें यूज़ करें। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रुपे कार्ड लेने के लिए बैंक में सिर्फ आपको पर्सनली जाना है, एक फॉर्म में साइन करके भर के दे देना है, कुछ वेरी सिंपल। और मोबाइल में पे फोन एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं, अब तो बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो ये भी उसके जैसा ही है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, होगा ना? ज़रूर। हम बस इंडियन डेबिट कार्ड अगर हम इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ फॉरेन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, तो यहाँ रुपे कार्ड है, हमारे इंडिया का है, मेड इन इंडिया का रुपे कार्ड, इसका हम मनी ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत से हमारे इंडियन रुपीस बाहर नहीं चले जाते। और ऐसे ही एंड्रॉयड मोबाइल में हम पेटीएम की बजाय पे फोन पे एप्लीकेशन जो मेड इन इंडिया की है, हमारी इंडिया की एप्लीकेशन है, तो उसमें भी हमारे हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा।